ठीक है, फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। ठीक है, अब इस एग्जांपल में देखते हैं, सब लोग ध्यान से देखना यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया। अब यहाँ डिक्लेयर कैसे किया है वो हम यहाँ पे देखना, void sum और ब्रैकेट के अंदर int int। यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या देंगे, जो भी लोकल वेरिएबल हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है, अपने फंक्शन में, उसका डेटा टाइप यहाँ स्पेसिफाई करेंगे, सिर्फ डेटा टाइप। ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, क्या देंगे, सिर्फ डेटा टाइप वहाँ पे लिखना है। ठीक है, समझ में आया इतना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके डेफिनेशन पे। अब यहाँ पे हम लोग ने सेम वैसे ही लिखा है, बस यहाँ पे क्या अंतर है, यहाँ पे सिर्फ डेटा टाइप लिखे थे, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर किए। क्या डिक्लेयर किए, वेरिएबल पूरा का पूरा हम लोग डिक्लेयर किए। ठीक है, इंट ए इंट बी, अगर हमने यहाँ पे इंट दिया है तो हमें यहाँ वेरिएबल भी इंट टाइप का ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे वेरिएबल इंटीजर टाइप का लिया है तो इंटीजर टाइप का ही डेफिनेशन के समय पे हम लोग को वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया इतना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो पैरामीटर लिया, सॉरी दो आर्गुमेंट हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, इंट ए इंट बी। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा है, प्रिंट एफ स्लैश एंड द सम इज परसेंट डी, और यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी, मतलब ये ए और ये बी दोनों को ऐड करके हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया इस फंक्शन में क्या हो रहा है, फंक्शन सिर्फ एक ही काम कर रहा है, दोनों को ऐड करके प्रिंट करने का काम। ठीक है, क्लियर है इतना। अब आते हैं हम लोग मेन फंक्शन पे, मेन फंक्शन पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने दे दिया इंट ए बी और रिजल्ट। ठीक है, ठीक है, तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हम लोग, कौन कौन से, ए बी और रिजल्ट, तीनों का डेटा टाइप इंटीजर है, तीनों का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ हमने लिखा प्रिंट एफ गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स का हम लोग यहाँ सम करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक मैसेज प्रिंट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखे प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर हम लोग को रन टाइम पे इनपुट लेना है। ठीक है, कैसे इनपुट लेते हैं, स्कैनएफ लगाएंगे, दो बार परसेंट डी लिखेंगे और कॉमा देखे एम परसेंट ए एम परसेंट बी लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, सम ए कॉमा बी, सम मैंने दिया है यहाँ पे ए कॉमा बी, यहाँ पे पास किए, जो भी यहाँ से वैल्यू इनपुट मिलेगी, मान के चलो यहाँ पे ए में 10 है और बी में क्या है 20 है। ठीक है, ए में क्या है 10 है और बी में क्या है 20 है। ठीक है, ये हमने रन टाइम पे इनपुट लिया है। ठीक है, रन टाइम पे क्या किया है, हमने इनपुट ले लिया है। ठीक है, ए में डाला वैल्यू 10 और बी में डाला 20, तो ए की वैल्यू क्या है 10 है, बी की वैल्यू क्या है 20 है, तो 10 और 20 यहाँ पे पास होगा। ठीक है, कहाँ पास होगा, यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो फंक्शन कॉल है, तो कहाँ पे कंट्रोल चले जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा। ठीक है, इंट ए और बी। ठीक है, 10 वैल्यू जो ए में थी वो अब किस में आ जाएगी, ये वाले ए में। ठीक है, 20 वैल्यू जो इस बी में थी वो अब किस में आ जाएगी, ये वाले बी में। ठीक है, दोनों वेरिएबल अलग अलग है, ये फंक्शन मेन में है और ये फंक्शन सम में है, दोनों अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, ये ए और बी सिर्फ और सिर्फ void sum में ही एक्सेस होंगे और ये ए बी सिर्फ मेन में ही एक्सेस होंगे। आया समझ में, दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, हम लोग नेम यहाँ पे सेम दे सकते हैं, हम लोग चाहे तो यहाँ पे एक्स वाई भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे ले लो एक्स वाई, कन्फ्यूजन अगर हो रहा होगा तो यहाँ पे एक्स और वाई ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का स्कोप अलग अलग है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में नेम सेम दे सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन कॉल के समय पे यहाँ पे क्या पास करेंगे, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू किस में आ जाएगी, इस इंट ए में आ जाएगी। ठीक है, वाई की वैल्यू किस में आ जाएगी, बी में आ जाएगी। ठीक है, तो अब ए में क्या है, 10 है, क्या है
10 है, बी में क्या है 20 है, तो यहाँ पे आएगा 10 प्लस 20, ठीक है, तो यहाँ प्रिंट करेगा द सम इज 30, ठीक है, द सम इज 30 प्रिंट करेगा, समझ में आया। तो यहाँ पे अगर इसका आउटपुट देखें तो इस प्रकार का आउटपुट आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, एंटर टू नंबर प्रिंट करेगा, फिर हम लोग यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे, तो वैल्यू डाले यहाँ पे 10 और 24, ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू डाले यहाँ पे देखो 10 और 24, ठीक है, फिर कैलकुलेट किया और प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया, द सम इज 34, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने पैरामीटर पास किया, ठीक है, कहाँ से पैरामीटर पास किया, फंक्शन कॉलिंग से, ठीक है, कहाँ से पास किया, फंक्शन कॉलिंग से। अब यहाँ दो टाइप के पैरामीटर होते हैं, ध्यान से समझना, जब हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन देते हैं, ठीक है, उस समय जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे देते हैं, उसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर, क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर, जो हम लोग फंक्शन डेफिनेशन के समय पे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग आर्गुमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। और जब हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू पास करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, फंक्शन कॉल के समय पे जो हम लोग यहाँ पे पास करेंगे उसको बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर, क्यों एक्चुअल पैरामीटर बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू इनपुट ले रहे हैं, वो एक्चुअल में यहाँ पास हो रही है, मतलब डायरेक्ट वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या हो रहा है, डायरेक्ट वैल्यू पास हो रही है, मतलब हम लोग ने यहाँ पे स्कैनएफ से जो वैल्यू लिया, मतलब x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 20, ठीक है, तो वो कहाँ पास हो रही है, डायरेक्टली इस फंक्शन कॉल पे पास हो रही है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, मीन्स ये x का वैल्यू जो है वो कॉपी होगा a में, ठीक है, x की वैल्यू कॉपी होगी किसमें, a में, ठीक है, y की वैल्यू किसमें कॉपी होगी, इस b में कॉपी होगी, ठीक है। तो इस टाइप के पैरामीटर को हम लोग बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर, आया समझ में, एक्चुअल पैरामीटर जब हम लोग फंक्शन कॉल के समय पे यूज करेंगे और फॉर्मल पैरामीटर जब हम लोग फंक्शन डेफिनेशन के समय पे यूज करेंगे, ठीक है, कभी कभी वाइवा में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है, जब हम लोग फंक्शन कॉलिंग के समय पे जो वैल्यूज हम लोग पास करते हैं उसको एक्चुअल पैरामीटर बोला जाता है, ठीक है, और जो फंक्शन डेफिनेशन के समय पे हम लोग देते हैं उसको फॉर्मल पैरामीटर बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 5 नंबर का एवरेज कैलकुलेट करना है, ये वाला प्रोग्राम बनाए थे याद है क्या प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, छोड़ दो सब पेन पेपर, सब छोड़ दो, सिर्फ स्क्रीन में देखो सब, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया, void average, ठीक है। इस प्रोग्राम में भी हम लोग पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने आर्गुमेंट लिस्ट यहाँ पे दिया है और यहाँ पे 5 वेरिएबल हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है, 5 पैरामीटर्स यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने 5 बार यहाँ पे इंट लिख लिया, ठीक है, पांचों वैल्यू किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, ठीक है। अब आते हैं फंक्शन डेफिनेशन पे, यहाँ पे हमने लिखा void average int a कॉमा int b कॉमा int c कॉमा int d कॉमा int e हमने, ठीक है। तो 5 आर्गुमेंट्स यहाँ पे दिए और ये किस टाइप का पैरामीटर है, फॉर्मल पैरामीटर है, क्या है, फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग ने यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाया फ्लोट एवरेज, जिसमें हम लोग एवरेज जो जब कैलकुलेट कर लेंगे उसको स्टोर करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने ऐसा लिखा एवरेज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई होल डिवाइडेड बाई 5। ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। जितने भी नंबर्स होते हैं उसको ऐड करते हैं और उतने ही नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर 5 नंबर का हम लोग ने एवरेज कैलकुलेट करना है तो 5ों को सबसे पहले ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। एवरेज निकालने के बाद मतलब यहाँ से हम लोग को एक वैल्यू मिलेगी, वैल्यू मिलेगी ना, उस वैल्यू को हम लोग किस में स्टोर कर रहे हैं, एवरेज नाम के वेरिएबल पे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। फिर लास्ट में इसको क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट प्रिंट एफ द एवरेज ऑफ गिवन 5 नंबर्स परसेंट एफ, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे डिवाइड करने के बाद हम लोग को कुछ डेसिमल प्लेसेस में नंबर मिले, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या ले लिए यहाँ पे, फ्लोट ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे लिखे हम लोग परसेंट एफ, ठीक है, और कॉमा देके एवरेज। इस एवरेज की वैल्यू हम लोग इस जगह पे प्रिंट करेंगे, ठीक है। आया समझ में। अब आते हैं हम लोग मेन फंक्शन पे। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, इंट ए बी सी डी ई 5 वेरिएबल ले लिया। कितने वेरिएबल ले लिए, 5, ठीक है। डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिखा यहाँ पे प्रिंट एफ गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, ठीक है। एक लाइन प्रिंट होगा, फिर उसके बाद प्रिंट एफ एंटर 5 नंबर्स, और हमने यहाँ स्कैन एफ लगा के परसेंट डी 5 बार लिखा और एम परसेंट ए एम परसेंट बी एम परसेंट सी एम परसेंट डी एम परसेंट ई। 5ों वेरिएबल में हम लोग इनपुट एक साथ ले रहे हैं, ठीक है। एक एक स्पेस करके हम लोग एंटर करेंगे और हम लोग का जो आउटपुट है, सॉरी इनपुट है, वो हम लोग एक साथ ले लेंगे, ठीक है। अलग अलग लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने इस फंक्शन को कॉल किया जो हमने यहाँ डिफाइन किया, ठीक है, एवरेज, और यहाँ पे पास किए ए बी सी डी ई कॉमा कॉमा से सेपरेट करके, ठीक है। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, ठीक है। 5 वैल्यू जो हम लोग यहाँ से इनपुट लिए थे, 5ों के 5ों वैल्यू यहाँ पे पास हो गए, ठीक है। इस पैरामीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू पास हो रही है, ठीक है। अब ए की वैल्यू किस में आ जाएगी, इस ए में आ जाएगी, ठीक है। ये बी की वैल्यू इस बी में, इस सी की वैल्यू ये वाले सी में, ठीक है। ये डी की वैल्यू ये वाले डी में, ठीक है। ई की वैल्यू इस ई में कॉपी हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। इस यहाँ पे जो पैरामीटर हम लोग पास करते हैं, जो एक्चुअल पैरामीटर होता है, उसकी वैल्यू कॉपी होती है फॉर्मल पैरामीटर में। कॉपी जानते हो ना क्या होता है कॉपी, तो कंट्रोल हमारा कहाँ पे आ गया, इस फंक्शन डेफिनेशन पे आ गया, ठीक है। ए बी सी डी ई 5ों में हम लोग को वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ इमेजिन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, ठीक है, डी में 4 है और ई में 5 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है, कितना होगा, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा, 3, ठीक है। तो एवरेज हम लोग को मिलेगा 3, तो यहाँ पे एवरेज में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट एफ, और यहाँ पे एवरेज प्रिंट होगा, ठीक है। द एवरेज ऑफ गिवन 5 नंबर्स, यहाँ परसेंट एफ हम लोग लिखे और एवरेज, ठीक है। तो एवरेज में वैल्यू क्या आ रही थी, कैलकुलेट हो के 3 आई थी, ठीक है। तो 3 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में। एक बार और रन करते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रन किए तो क्या आया, गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे एक मैसेज आया, एंटर 5 नंबर्स, ठीक है। हमने डाला 10, 20, 30, 40, 50, क्या एवरेज आएगा, 30, ठीक है। द एवरेज ऑफ गिवन 5 नंबर्स 30.00000, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलो लिखो इसको।
ठीक है, फोर टाइप फंक्शन विथ आर्गूमेंट्स एंड विथ रिटर्न वैल्यू। ठीक है, अब देखो लास्ट प्रोग्राम हम लोग ने जैसा किया था सम वाला, ठीक है, सेम प्रोग्राम है यहाँ पे। यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन किया इंट सम, ठीक है, और दो यहाँ पे हम लोग ने आर्गूमेंट लिस्ट दिया। ठीक है, क्या क्या डेटा टाइप दिया, इंट कॉमा इंट। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जब डिफाइन करेंगे तो दो पैरामीटर वहाँ पे देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन पे। यहाँ पे लिखा हमने इंट सम और यहाँ पे दे दिया इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, इस फंक्शन में हमने यहाँ पे लिखा रिटर्न ए प्लस बी। क्या लिखा, रिटर्न ए प्लस बी यहाँ पे लिखा हमने। ठीक है, तो वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है, ए प्लस बी को सबसे पहले ऐड करेगा और जो ऐड करने के बाद मिलेगा वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे मेन में, मेन फंक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, इंट ए बी और कॉमा रिजल्ट, हमने तीन वेरिएबल यहाँ पे ले लिया। कितने वेरिएबल लिए, तीन वेरिएबल। तीनों का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ने लिखा प्रिंट एफ गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स। फिर उसके बाद क्या होगा, प्रिंट एंटर टू नंबर्स। फिर स्कैन एफ से हम लोग दो नंबर इनपुट ले लेंगे। ठीक है, किस किस में इनपुट आएगा, ए में और बी में। अब मान के चलो यहाँ पे हम लोग ने आउटपुट में जो लिया है 10 और 20, ऐसा हमने यहाँ पे इनपुट दे दिया। ठीक है, क्या क्या वैल्यू दिया, 10 और 20। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, कौन से फंक्शन को कॉल किया, सम फंक्शन को कॉल किया। और यहाँ पे हम लोग ने एक्चुअल पैरामीटर में दो पैरामीटर पास किए। ठीक है, ए और बी। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। ठीक है, ए की वैल्यू कहाँ पे आएगी, इस ए में आएगी। मतलब ए की वैल्यू क्या है, 10। तो 10 वैल्यू इसमें कॉपी हो जाएगी। फिर उसके बाद बी की वैल्यू इस बी में कॉपी होगी, मतलब 20 कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अब ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20। ठीक है, तो 10 प्लस 20 कितना होगा, 30। तो रिटर्न 30, समझ में आए, रिटर्न क्या करेगा, 30 रिटर्न करेगा। और रिटर्न करने के बाद यहाँ से हम लोग को एक वैल्यू मिलेगी। रिटर्न करेगा मतलब यहाँ पे हम लोग को वैल्यू रिटर्न करके मिल रही है। ठीक है, फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर करेंगे हम लोग, एक वेरिएबल पे स्टोर करेंगे। ठीक है, यहाँ से जो वैल्यू हम लोग को मिलेगी वो वैल्यू किस में डाल रहे हैं हम लोग, इस रिजल्ट में डाल रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल में हम लोग इस सम से जो वैल्यू रिटर्न करके मिलेगा उसको हम लोग स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब रिजल्ट के अंदर क्या आ जाएगा, क्या वैल्यू आएगी, 30 आ जाएगी। ठीक है, अब 30 को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो प्रिंट एफ हमने लिखा द सम इज परसेंट डी कॉमा रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 30 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स, एंटर टू नंबर प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 10 और 20 एंटर कर लेंगे। ठीक है, फिर दोनों को ऐड करके यहाँ से वैल्यू मिलेगी और रिजल्ट में स्टोर होगी और यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, 30। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया। चलो एक और प्रोग्राम बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, सबको पता है कैसे इवन होता है, कैसे ऑड होता है। ठीक है, तो इवन नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, कोई भी नंबर अगर टू से डिविजिबल होगा तो वो इवन नंबर होगा, अगर टू से डिविजिबल नहीं है तो ऑड नंबर होगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया। ठीक है, इवन ऑड। ठीक है, अंडरस्कोर लगा के यहाँ पे इवन ऑड को सेपरेट किए हैं आप लोग, और यहाँ पे एक ही पैरामीटर हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार ही हम लोग यहाँ पे इंट लिख लिए। अब आते हैं डेफिनेशन पे। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग ने दिए। ठीक है, इंट इवन ऑड, और यहाँ पे हमने क्या डाला, इंट एन। ठीक है,
अब ये लॉजिक हम लोग को पता है, क्या लॉजिक लगाते हैं हम लोग, एन को हम लोग डिवाइड करेंगे टू से, ठीक है। अगर रिमाइंडर जीरो आएगा तो हमारा नंबर क्या है, इवन है, ठीक है। अब वही लॉजिक को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, इफ एन मॉड टू इक्वल टू जीरो। मॉड ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है। तो n को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, n को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर जो है जीरो के इक्वल होगा, तब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तब ये कंडीशन ट्रू होगा और क्या रिटर्न करेगा, वन रिटर्न करेगा, ठीक है। क्या रिटर्न किया, वन रिटर्न किया, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, मीन्स रिमाइंडर कुछ ना कुछ हम लोग को मिल रहा है, जीरो नहीं मिल रहा है, तो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है और कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो उस केस पे क्या रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न करेगा, ठीक है। ट्रू अगर होगा तो वन रिटर्न करेगा, फॉल्स अगर होगा तो जीरो रिटर्न करेगा, ठीक है। ये हमारा फंक्शन था, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग मेन पे, मेन पे आए, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, इंट एन कॉमा फ्लैग इक्वल टू जीरो। फ्लैग एक टेम्प्ररी वेरिएबल है जिसमें हम लोग स्टेटस स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, टेम्प्ररी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रिंट एफ लिखे, गोइंग टू चेक वेदर ए नंबर इज इवन और ऑड, ठीक है। यहाँ फिर से प्रिंट एफ लिखे और एंटर द नंबर, हम लोग ने यहाँ पे स्कैन एफ लगा के एक नंबर एंटर कर लिया एन में, ठीक है, एन में हमने वैल्यू को एंटर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है फ्लैग इक्वल टू इवन ऑड, इवन ऑड को हम लोग ने यहाँ कॉल किया है, जो हमारा फंक्शन था, जो हमारा फंक्शन था उसको हमने यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है। अब कंट्रोल कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा। अब यहाँ मान के चलो एन में हम लोग ने डाला है 10, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट में क्या है देख लेते हैं, 100 है, ठीक है, हमने वैल्यू यहाँ पे डाला 100, ठीक है। ये 100 वैल्यू कहाँ पास होगा, इस एन में, ठीक है, मतलब फंक्शन कॉल पे पास होगा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू आ गई 100, ठीक है। अब ये n की वैल्यू कहाँ पास हो जाएगी, फंक्शन डेफिनेशन के समय पे फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, कॉपी हो गई। तो 100 मॉड 2, 100 को डिवाइड करेंगे 2 से, रिमाइंडर कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, पक्का, ठीक है। तो 100 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा तो क्या रिटर्न करेगा, वन रिटर्न करेगा, ठीक है, रिटर्न किया वन, ठीक है, वन रिटर्न करेगा और वो किस में आ जाएगा, इस फ्लैग में आके स्टोर हो जाएगा। इनिशियली इसकी वैल्यू जीरो थी, अब क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, रिटर्न करके जो वैल्यू आई है, ठीक है, वो यहाँ पे स्टोर हो रही है, ठीक है। रिटर्न करके जो वैल्यू हम लोग को मिल रही है वो किस में स्टोर हो रही है, इस फ्लैग में स्टोर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक और कंडीशन लगाएं, इफ फ्लैग इक्वल टू जीरो, फ्लैग इक्वल टू जीरो। अब वो जीरो कैसे हम लोग चेक कर रहे हैं, यहाँ से, अगर फ्लैग की वैल्यू जीरो होगी मतलब वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है, कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये ऑड नंबर होगा, आया ना, कंडीशन फॉल्स हो मतलब जीरो के इक्वल रिमाइंडर नहीं मिला है तो कंडीशन फॉल्स होगा और क्या रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न करेगा। अगर फ्लैग की वैल्यू जीरो होगी तो क्या होगा, द नंबर इज ऑड, ठीक है, एल्स द नंबर इज इवन, क्योंकि दो ही नंबर यहां से रिटर्न करने वाले हम लोग, ठीक है, जीरो और वन। जीरो को हम लोग चेक किए, ठीक है, हम लोग चाहते तो यहाँ पे वन भी चेक कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हम लोग ने जीरो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जीरो किया। अगर फ्लैग की वैल्यू जीरो होगी तो नंबर ऑड होगा, ठीक है, अगर फ्लैग की वैल्यू वन होगी तो क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और एल्स में आके क्या प्रिंट करेगा, द नंबर इज इवन, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया लग रहा है, हाँ।